ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बंद हो रही है, लाइट है सारी। क्या है? गेट किसने बंद किया? गेट किसने बंद किया? गेट किसने बंद किया? गेट कैसे बंद हो गया? लाइट बंद। गजब की गर्मी है शहर में, बाहर किसी का भी दिल पिघलते हुए नहीं देखा। कोई नहीं खेलता मेरे साथ। जिन्नी दीदी, मम्मी पापा और गर्मी की वजह से बाहर भी नहीं जा सकती। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, चलो एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो रिया। अच्छा दीदी, वैसे एक मैजिक दिखाऊं? हाँ हाँ दिखा। अपने फोन पे से ये जो आपकी चार उंगलियां हैं वो हटा दो। चल भाग यहाँ से, डिस्टर्ब मत कर मेरे को। अच्छा मैं मिट पे गिरा, मैं जमीन पे गिरता तो और मजा आता। चल भाग यहाँ से, भाग रही नहीं, भाग ही भाग यहाँ से। एक जमाना था जब फोन गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, और अब फोन गिरता है तो कलेजा, फेफड़े, किडनी सब बाहर आ जाती है। अरे मेरी परी, तेरे को नहीं पता मेरे पर कितना सारा काम है ऑफिस का, है ना? जरा बाद में खेल लूंगा, ठीक है? अरे ध्वनि, आज संडे है, कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, इतना सारा घर फैला पड़ा है, मैं क्या क्या करूं? और वैसे भी मैं इतना थक गई हूँ, मैं सोऊंगी बेटा, प्लीज। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, इससे बढ़िया तो डॉली थी। जब मैं कहती थी खेलने के लिए वो तो तभी खेल लेती थी, कभी भी मना नहीं करती थी। मैं फाइनली सोने जा रही हूँ। अरे काम करो, जरा मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो। अरे इसना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोते वक्त फोन चार्जिंग मत लगाया करो, किसी ने ब्लास्ट हो गया तो। ऐसा है, मैं अपने फोन की ना बैटरी पहले से ही निकाल के रखती हूँ, मेरा फोन नहीं होगा ब्लास्ट, लगाओ। अरे यार ऐसी बकवास तो मत किया करो। अच्छा मेरी बकवास नजर आ रही है, मैं सो रही हूँ। ये पंखा किसने बंद कर दिया यार? अरे यार अब इस पंखे को क्या हो गया? ये क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बंद हो रही है लाइटें सारी। क्या है? गेट किसने बंद किया? गेट किसने बंद किया? चिन्नी, ध्वनी गेट खोल। ध्वनी गेट खोल। ध्वनी चिन्नी ध्वनी दरवाजा खोलो। ये गेट किसने बंद किया? अरे खुलेगा कैसे जब इन्हीं लोगों ने बंद किया है तो? कैसी बात कर रहे हो? और ये पक्का भी ऑन ऑफ हो रहा है। अरे तुम डरो मत, मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। डरो मत, दोनों बच्चे बाहर हैं। तोड़ दो ना उसको लॉक को। अरे तोड़ेंगे नहीं, खोलना पड़ेगा इसे। इधर की साइड घुमाओ ना उसको। अरे नहीं खुल रहा ना, देखते हैं। क्या बात कर रही है? तेरी मम्मी साइड टाइम मेरे साथ ही थी। मैं छुड़ाया नहीं तेरे को। आपको पूछ रही हूँ ना, बता रही हूँ। अरे पापा कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त मजाक सोचता है पापा। आपको पता है मैंने भी एक परछाई देखी और मुझे बहुत डर लग रहा है। अब कुछ भी हो, मैं तो इस ड्राइंग हॉल में ही रहने वाली हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे यार मैं तो अपना लैपटॉप ना ऊपर रूम में ही छोड़ आया हूँ, अब मैं क्या करूँ? इसलिए तुम जाकर ले आओ ऊपर से। अच्छा मैं तो नहीं लाई। अच्छा हुआ मैं अपना फोन ले आई हूँ, मैं यहीं बैठ के अनुपमा देख लूंगी। अरे मम्मी मेरा तो फोन भी डेड हो गया है, और पता है मेरा चार्जर तो अंदर कमरे में रखा है। अब मैं रील्स कैसे बनाऊंगी? ये हमारे घर में बुरी आत्मा भटक रही है। किसकी आत्मा? अब तो ना घर के बाहर नींबू मिर्ची भी नहीं टांग सकते, नींबू इतने महंगे जो हो गए हैं। मजाक की भी एक लिमिट होती है। मैं तो अपना अनुपमा ही देख लूं आराम से बैठ के ना, पता नहीं आप मेरी भूत हो। मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया। इधर जब तू ऊपर चार्जर लेने जाओगी तो मैं लैपटॉप भी ले आना। मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है और ये पंखा भी नहीं चल रहा है। पता नहीं लाइन काटी है या ये चुड़ैल को ना इस पंखे से इतना प्यार है। गाइस दीदी ऐसा तो नहीं हो, चुड़ैल इस पंखे पे लटक गई हो और उसकी मौत इसी पे हो गई हो। जिन्हें डरो मत, मेरे को लग रहा है सिर्फ लाइट कटी है लाइट। आप इतनी श्योर कैसे हो पापा? जिन्हें हमारे गांव में तो ना इतनी लाइट आती जाती रहती है कि पंखा खुद भूल जाता है कि उसे दाएं घूमना है या बाएं घूमना है। पंखा देखत रात गई, आई ना लेकिन लाइट, मच्छर गाते रहे कानों में पार्टी ऑल नाइट। सही बता रही हूँ मैं? सारी रात ना मच्छर कानों में काटेंगे आवाज आई। मम्मी हमें ऐसे ही थोड़ी हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हैं। मम्मी हमारे इस घर में ना किसी बुरी आत्मा का साया है। अरे जीनी बेटा मैंने तांत्रिक को कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। अरे तुम्हारे घर में सभी तांत्रिक ही तो बैठे हैं, किसी को भी बुला लेती और सबने भूत भगाने में डबल पीएचडी कर रखी है। डबल पीएचडी? अपने भाइयों की पीएचडी की डिग्री देखकर आए हो क्या? जो तांत्रिक वाली डिग्री याद आ गई, मेरी फैमिली पे आ जाते हो। मम्मी लड़ाई मत करो, इससे अच्छा तो कोई इंडोर गेम खेल लो। हाँ ये सही प्लान है। हाँ मैं भी एग्री हूँ, चलो बहुत मजा आने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। वन मेरी बारी। टू भगाओ अपनी वो पापा से भगली। फाइव मैं भी वैसे तो मैं ही जीती हूँ। 1 2 3 4 5
मम्मी इतनी रात हो गई तांत्रिक बाबा नहीं आए। बेटा लगता है हमें पूरी रात ना इसी ड्राइंग रूम में ही बितानी पड़ेगी आज को। मेरे साथ नए नए गेम खेलकर। अरे मुझे तो बहुत ही प्यास लग रही है, फ्रिज से मेरे ठंडा पानी कौन ला कर देगा? पहली बात तो मैं तो ऊपर जाने से रही, और दूसरी बात ठंडा पानी सब पिए, बॉटल भरे ना कोई, और जब बॉटल भरने की बारी आए तो गायब वहाँ से हुई। ये तो मम्मी का दुआ हो गया। अब आगे का क्या प्लान है? मैं तो कहती हूँ घर के सारे पंखे खोल देते हैं, वहीं से शुरू हुई थी पूरी फसाद की जड़। अच्छा आइडिया है, पर ये काम करेगा कौन? ऑब्वियसली मम्मी। क्या? अब एक बहन दूसरी बहन को चोट थोड़ा पहुंचा सकती है। ओहो फिर शुरू हो गए ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, मैं चुड़ैलों को ना बड़े अच्छे से जानता हूँ, उनका दिल ना बहुत साफ होता है। तुम्हारा भी तो दिल बहुत साफ है ना। बस करो आप ना, आज जो हुआ उसे तो मैं भुलाने से रही, और ऊपर तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी अब जब तक तांत्रिक बाबा नहीं आ जाते। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग ना अंताक्षरी खेलते मन लगा रहेगा। हाँ क्या सही बात कही है ध्वनि ने। चलो मेरी बेटी है तो अच्छी बात तो कही है ना। खेलते हैं, शुरू करो अंताक्षरी। लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। हरी भरी घास में गधे चर रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं, बकवास कर रहे हैं। है ऐसे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। चाबी सारी खोई पड़ी है डरावने पंखे की वजह से। हम तुम एक कमरे में बंद हो सका। मछली जल की रानी है जीवा। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और आगे मुझे नहीं आता। अब क्या करें, पंखा भी नहीं चल रहा, रात अभी पूरी बाकी है। क्या करें। मेरा काम तो हो गया, मैं तो जरी सो। क्या? दिमाग तो नहीं है तेरा ध्वनि, तुझे डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? कमरे में भूत है। कैसा भूत? ध्वनि तबीयत तो ठीक है तेरी? बेटा कैसी बात कर रही है बहकी बहकी, और जब तक तांत्रिक बाबा नहीं आते ना तब तक कमरे में कोई नहीं जाएगा। ओहो मैं तो आपको पता नहीं, भूल गई थी, बाहर के स्विच से मैं सारी लाइट और पंखा ऑन ऑफ कर रही थी। क्या? क्योंकि आप लोग सब लैपटॉप मोबाइल काम में लगे रहते थे, कोई मेरे साथ नहीं खेलता था, इसलिए मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, इसलिए मैंने ये सब करा। ध्वनि की बच्ची, क्या ये सब तूने किया? इसका मतलब वो दरवाजा भी तू ही पीट रही थी। जी हाँ। और मम्मा जो घर में अजीब अजीब सी आवाज आई थी ना, वो भी होम थिएटर का कमाल था। ओ बेटा जी, इसका मतलब हमें सुबह से मामू बनाया जा रहा है। अरे बाबू को ही तो मामू बनाया जाएगा। ध्वनि तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ना ये सब करके? इतना शर्म की क्या बात है, और उसकी गलती भी क्या, गलती तो हमारी है। एक संडे तो मिलता है उसको हमारे साथ खेलने के लिए, और हम लैपटॉप पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो गलती तो हमारी हुई ना, उसकी क्या गलती है? अब मुझे समझ आ गया है, ध्वनि के सबक ने ना हमारी अकल खोल दी है, अब से संडे को कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ फैमिली के साथ पार्टी मस्ती एंड एंजॉय, और बहुत सारे गेम खेलेंगे जो मेरी जान कहेगी। ठीक है ध्वनि? थैंक यू मम्मी। अरे मेरा बच्चा। मम्मी पर जो घर में तांत्रिक बाबा आने वाले, उनका क्या? बिल्कुल उनका क्या, पापा को भेज देंगे उनके साथ। वैसे भी पापा को थोड़ा तांत्रिकों में इंटरेस्ट रहता है ना, पीएचडी की डिग्री पापा भी ले आएंगे, बड़ी कमी है हमारे घर में तांत्रिक की पीएचडी की डिग्री की। इन दोनों की लड़ाई तो चलती रहेगी, पर वी होप आपको हमारी वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।